दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके और इस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आप हमारी सारी लेटेस्ट रेसिपीज सबसे पहले देख सकें। नमस्कार, दीपा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है चावल के पापड़। चावल के पापड़ बनाने के लिए हमने मेजरिंग कप से एक कप छोटे वाले चावल लिए हैं। इनको हमने साफ पर बीन करके धो करके 6 घंटे के लिए पानी भिगो दिया था। अब इसको पानी से अलग कर लिया है। इसमें मिलाएंगे हम 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून देसी घी। इसकी जगह पे आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें हम चावल को डाल देंगे। इसी में डाल देंगे हम जीरा, नमक, खाने वाला सोडा, इसको हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, और देसी घी। इसी में हम डाल देंगे, हमने जिस कप से चावल नापा था उसी कप से नाप के हम 6 कप पानी डालेंगे, सॉरी 4 कप पानी डालेंगे। 4 कप लेना है, 1, 2, 3, बस 4 कप। 4 कप से ना ज्यादा लेना है और ना ही कम लेना है। अब इसको हम ढक्कन लगा के चावल को हम 2 सीटी आने तक पका लेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। एक विसिल आ चुकी है, जैसे ही दूसरी विसिल आएगी हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम कुकर को ठंडा होने देंगे और प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। कुकर से प्रेशर निकल चुका है, ठंडा हो गया है। अब हम ढक्कन खोल लेते हैं। हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अब इसको हमने एक लिया है दाल का चिमचा, इसी से इसको हमको घोट देंगे। आप इसको मिक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी से घोट जाएगी। हमने चावल को कुकर में ही देखिए अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए एक बड़े बर्तन में पलट लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस के लिंक आप तक पहुंच सके। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। अब जिस प्लास्टिक पर हम पापड़ बनाएंगे उस पर हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं। और जिस पन्नी को लगाएंगे ऊपर से हम उस पर भी ऑयल लगा लेते हैं। ये मैंने एक लंबाई में कटी प्लास्टिक ली है, अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और रोटी के बराबर हम इसका डो लेंगे और इस तरह से हाथों में लोई की तरह बना लेंगे। हम एक साथ आपको 4 बनाना दिखाएंगे। एक लोई यहाँ रखी है हमने ये 4 लोइयाँ देखी रखी हैं। हमने ये लंबाई में कटी हुई प्लास्टिक ली है, ये देखिए। अब हम प्लेट्स इसको हल्का सा दबा देंगे। जितनी बड़ी आपको बनानी हो उस साइज की बनाइए। देखिए इस तरह करते हुए हम सारे पापड़ तैयार कर लेंगे और हम धीरे से ऊपर वाली पन्नी को निकाल लेंगे। हमने सभी पापड़ को बना लिया है। अब इसे आप धूप में सुखाइए या पंखे में, ये दोनों तरह से पापड़ सूख जाएंगे।
7 से 8 घंटे हो गए हैं मैंने पापड़ को पंखे में सुखाए, क्योंकि यहाँ पे बारिश बराबर हो रही है। तो अब इसको हम पलट लेते हैं। अब इनको भी हम पंखे में सुखाएंगे। देखिए पापड़ बिल्कुल भी काले नहीं है। ये पापड़ को सूखने में 2 से 3 दिन का समय और लगेगा। पापड़ को सूखने में 5 दिन का समय लग गया है। पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत बढ़िया पापड़ बनके तैयार हुए हैं। इसी तरह और पापड़ फ्राई कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।